जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2021। 7 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिएगा दोस्तों आज के हिंदी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम सैलरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करीना कपूर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस करेक्ट कैटरीना कैफ को बनाया गया है। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने कहा है कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम सैलरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड अम्बेसडर बनाए हैं। जायडस वेलनेस ने मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा ने बयान दिया, कहा है कि कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड अम्बेसडर बनाना वर्दी को तेज करने और बाजार में अगुआ के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक पहला कदम है। किसको बनाया गया? कैटरीना कैफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? जन कल्याण योजना, वतन प्रेम योजना, देश प्रेम योजना, गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका देश प्रेम योजना। इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे, जबकि राज्य सरकार से 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। कौन से देश ने बनी है देश प्रेम योजना? गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने COVID-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस करेक्ट आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ COVID-19 महामारी लड़ने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इन क्वेश्चनों का PDF मिल जाएगा और जिसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की है? 22, 10, 25, 15। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की जारी की हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान हेतु 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बुद्ध अनुदान की पहली किस्त है। 15वें वित्त आयोग की अनुशासना के आधार पर ये अनुदान जारी किया गया है। कितना करोड़ रुपए की राशि दी है? 13,385.70 करोड़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधित आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका 20 लाख लोगों की मौत हुई है मौसमी संबंधी आपदाओं से। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते 20 लाख लोगों की मौत हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एटलस ऑफ
मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमी लॉस फॉरम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सक्रीज फॉरम 1970 से 2019 को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिहार, पंजाब, असम, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका असम राज्य की क्या है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गौरतलब है कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली ये पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। इन्होंने 67.67 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका गुजरात राज्य किया जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है कि इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका हिमाचल प्रदेश ने की है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए को निवेश को लेकर 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सबसे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना? वियतनाम, रूस, जापान, भारत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका भारत देश बना है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश घोषित किया है। भारत में वर्तमान में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 369 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, HDFC लाइफ में कितने करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? 5,567 करोड़ रुपए, 8,971 करोड़ रुपए, 6,687 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका 6,687 करोड़ रुपए। HDFC लाइफ ने 6,687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक और नगद सऊदी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एक्साइड लाइफ बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्री की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो कि बिना जीवन बीमा के कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं, जिसका अधिग्रहण HDFC लाइफ में किया है। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे हमारे YouTube चैनल पर और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। वंदे मातरम।